नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम अपना जो विजन मैगजीन है अक्टूबर मंथ की, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर निकालते हैं, उसको हम कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले हमने इससे दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक को हमने जो इस मैगजीन में दिया था पॉलिटी सेक्शन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा हमने कंप्लीट किया था साइंस और टेक का सेक्शन। आज हम अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला इसमें टॉपिक जो है, टॉपिक है आप देखेंगे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस। इसमें क्या होगा कि आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संगठन यानी CDRI ने वैश्विक अवसंरचना पर पहली पहली याद रखिए पहली है दो वर्ष में एक बार रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलियंस कैप्चरिंग द रेसिलियंस डिविडेंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस व अवसंरचना लचीलापन क्या है, ये देख लेते हैं। अवसंरचना देख लेते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र की अवसंरचना को समुदाय या समाज के सामाजिक व आर्थिक कामकाज के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली भौतिक संरचना, सुविधा, नेटवर्क और अन्य परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। रेसिलियंस या लचीलापन, सरल शब्दों में कहें तो कामकाज के स्तर को बनाए रखते हुए सकारात्मक, कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से जोखिम से रक्षा करने, मुकाबला करने, सहने, अनुकूलन, प्रतिक्रिया करने एवं ठीक होने की क्षमता को ही लचीलापन कहते हैं। आशय क्या है लचीलापन से, लचीली अवसंरचना से आशय क्या है? इसका आशय खतरनाक घटनाओं और आपदाओं को सहने, उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करने और उनसे उभरने की सक्षम अवसंरचना से है। लचीलेपन के लिए जो अवसंरचना है वो देख लेते हैं। लचीलेपन के लिए अवसंरचना क्या है? लचीलेपन के लिए अवसंरचना, इसका आशय व्यापक सामाजिक व आर्थिक या प्रणालीगत लचीलेपन का समर्थन करते हुए नए प्रणालीगत जोखिम पैदा न करने वाली अवसंरचना से है। वैश्विक अवसंरचना जोखिम के मद्देनजर अवसंरचना लचीलेपन की आवश्यकता की वैश्विक स्तर पर इसकी क्या जरूरत है, इसको इसमें देखा जा रहा है। लचीलेपन की अवसर आवश्यकता, पुरानी हो रही अवसर, पहले तो देखना है इसमें कि पुरानी हो रही जो अवसंरचना है उसके लिए क्या महत्व है। कई देशों में अवसंरचना संबंधित पुरानी परिसंपत्तियों को बदलने की जरूरत है। ऐसा खासकर उन देशों में करना जरूरी है जहां औद्योगिकरण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ था, जो पश्चिमी देश थे वहां पुरानी पुरानी इमारतें हैं, उनका फिर से कैसे उनको अवसंरचना में निर्माण करना है, ये बात देखनी है। फिर देखना है अवसंरचना संबंधित कुशल जो गवर्नेंस, उसको देखना है। निम्न आय वाले देशों में अवसंरचना की व्यापक कमी के चलते सामाजिक आर्थिक विकास बाधित होता है। इस स्थिति में अवसंरचना संबंधित अकुशल गवर्नेंस के कारण यह समस्या और बढ़ जाती है। और अवसंरचना संबंधित अकुशल गवर्नेंस में अनुपयुक्त योजना और डिजाइन, निम्न स्तरीय मानक, अप्रभावी विनिमय एवं अनुकूलन एवं कम निवेश, अनुकूलन एवं कम निवेश आदि शामिल है। प्रणालीगत जोखिम जो है वो देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि जैसे प्रणालीगत जोखिम पृथ्वी पर जीवन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन समन को लेकर किए गए अंतरराष्ट्रीय समझौते के जरिए कार्बन लॉक इन अवसंरचना के स्थान पर कम शून्य या नकारात्मक उत्सर्जन वाली अवसंरचनाओं को तेजी से अपनाने पर जोर दिया गया है। विकासात्मक लाभ, इसमें देख लेते हैं विकासात्मक लाभ के बारे में। अवसंरचना के लचीलेपन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए गए निवेश काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह निवेश से देश एक ऐसे विकास पथ पर आगे बढ़ सकता है जो गुणवत्ता और भरोसेमंद आवश्यक सेवाओं और संरचना परिसंपत्तियों के लिए कम नुकसानदायक, कम प्रणालीगत जोखिम और सतत विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो। अनुपातहीन प्रभाव देख लेते हैं।
निम्न और मध्यम आय वाले देश की अवसंरचना के लचीलेपन के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा मौजूदा निवेश की तुलना में 10 गुना कम है, यानी कि ये मात्रा जो है 10 गुना तक कम है। अवसंरचना हेतु वित्तीय, हालिया अनुमान के अनुसार अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए एसडीजी और 2050 तक निवल शुद्ध शून्य उत्सर्जन के क्षेत्र को हासिल करने के लिए 9.2 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में कुल वैश्विक अवसंरचना निवेश का 50% हिस्सा केवल 4 देश, चीन, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश होगा। प्राकृतिक आधारित अवसंरचना समाधान, प्राकृतिक आधारित अवसंरचना समाधान की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये अवसंरचना की रक्षा भी करते हैं और अवसंरचना संबंधित सेवा भी प्रदान करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम होते हैं, ये पर्यावरण अखंडता और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, ये सामाजिक भलाई को भी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए यदि इन्हें व्यापक रूप से अपनाया जाए तो ये लचीलेपन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक अवसंरचना की सुरक्षा का जो आप देखेंगे, ये है प्राकृतिक आधारित अवसंरचना निर्माण जो है ना, का उपयोग करके करके पारंपरिक ये ग्रे अवसंरचना की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। एनबीआईएस ग्रे अवसंरचना को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। यह ग्रे अवसंरचना की जगह एनबीआईएस का उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रकृति के अनुकूल निर्माण करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव ला सकता है। कम लागत, औसत रूप से देखे तो ग्रे अवसंरचना परियोजना की तुलना एनबीआईएस की लागत 50% से कम है। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रे अवसंरचना परियोजना 51% लागत में ही प्राकृतिक आधारित अवसंरचना समाधान हासिल किया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना, एनबीआईएस किसी अवसंरचना के जीवन चक्र के दौरान कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर सकते हैं। इसमें भूमि के उपयोग को बदलने करने से बचने और अवसंरचना के जीवन काल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या होंगे? एनबीआईएस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण लेने और गवर्नेंस में महिलाओं की भागीदारी के अवसर को बढ़ाना है, यानी कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। अनुमानों के अनुसार चलते 2030 तक 59 ट्रिलियन नौकरी पैदा हो सकती है। NBIS के एकीकरण करने में चुनौती क्या है? सबसे पहले तो ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अवसंरचना निर्माण को लचीलापन करना है तो उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है। साथ में उसमें देखेंगे ज्ञान के साथ साथ उसमें शोध का भी अभाव। अभी इतना रिसर्च उस पर नहीं हुआ कि कैसी कैसी लचीलेपन को लाना है, कैसे किसी के निर्माण में क्या क्या मिट्टी का यूज कैसा हो सकता है, उस चीज को देखना है। शोध का अभाव है। जोखिम मूल्य का अभाव कि कितना नुकसान होगा, इसका अभी पूरी तरह से मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं, इसलिए ये भी है। राजनीतिक रूप से अनाकर्षक है, मतलब कि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आकर्षक का बिंदु नहीं होता है, इस तरह इसमें राजनीतिक अभाव भी पाया जाता है। परिपक्वता की अवधि भी इसमें कम है, क्योंकि अवसंरचना संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तत्काल आवश्यकताओं की स्थिति में एनबीआईएस प्रायः एक सीधा समाधान हो सकता है। अब एनबीआईएस को एकीकृत करना क्यों है? इसमें भी अनुसंधान है, क्योंकि इस संबंध में सावधानी पूर्ण समीक्षा, क्यूटेरिटम अप टू डेट, बहुभाषी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुसंधान पुस्तकालय, डिजाइन, मानक और केस स्टडी आवश्यक है। विशेषकर LMICS सभी सभी को एनबीआई
NBIS के राष्ट्रीय उत्सर्जक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। बाकी इसमें जो है परिणाम से जुड़ना है, विनियमन करना है, रेटिंग प्रणाली को कराना है, वैश्विक मानक को भी देखना और वित्त पोषण को प्रोत्साहित भी करना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट। दूसरा है आपका हिम नदी झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़। जो झीलें होती हैं उसमें पानी इकट्ठा होता है, हाँ, और हिम नद जो होता है जब पिघलता है या फिर जब कहीं से टूटता है तो जाहिर सी बात है वो टूटने के उपरांत पानी में बदलेगा। पानी में बदलने के बाद वो जो झील रहेगी, जो जहां पर पानी जमा रहेगा, उससे जो एक बारगी ज्यादा से ज्यादा पानी आएगा, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के बारे में इस टॉपिक में बात करना चाह रहा है। हाल ही में सिक्किम में हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ की घटनाएं घटित हुई हैं। यह घटना दक्षिणी एलहोनक झील, याद रखना क्या है, एलहोनक झील, सबसे इम्पोर्टेंट, एलहोनक झील के दक्षिणी तटीबंध के टूटने से हुई है। अब इसमें इम्पोर्टेंट रखना है कि जो पूछ रहा है आपको कह रहा है एलनोहक झील, ये कहाँ सिक्किम से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखना है। सिक्किम में आई अचानक बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, मतलब कि जो बाढ़ आई सिक्किम में उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। सिक्किम में आई आपदा प्रमुख आ कई आई आपदा प्रमुखता निम्नलिखित कारणों के विनाशकारी संयोजकों से उत्पन्न हुई है, मतलब जो नीचे कारण दिए हैं उनके सबको मिला देंगे तब उसे विनाशकारी जो कारण बनेगा वो है। हिमनद का पिघलना, सिक्किम के दक्षिणी एल्कोहल झील काफी ऊंचाई पर हिमालय हिमनदी क्षेत्र में स्थित है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते एल्होनक झील में जल स्तर काफी बढ़ गया है। फिर आप देखेंगे जो हिमनद जो ये है हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ जो है की घटना क्या है। जब हिमनदों के पिघलने से प्राप्त जल के कारण हिमनदी झीलों में जल की मात्रा चरम बिंदु पर पहुंच जाती है तो हिमनदी झीलों के तटबंधन जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इसके कारण आई बाढ़ को हम हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ कहते हैं। इस घटना में बादल फटने के कारण होने वाली अत्यधिक वर्षा की भूमिका चलते इसे GLOF का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी माना जाता, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो बर्फ पिघल रही, उससे तो बाढ़ आ ही रही है, साथ ही साथ जब वहां बादल फट जाते हैं तो उसके उपरांत बहुत ज्यादा बारिश आती है, उससे भी जो पानी की मात्रा बढ़ती है उसके बारे में ये है। GLOF अचानक घटित होने वाली एक विनाशकारी है, विनाशकारी घटना, यानी कैसे ही अचानक घटित होने वाली विनाशकारी घटना है। हिम नदी झीलों के जल को रोक रोक कर रखने वाले हिमनद या हिमोर जैसे प्राकृतिक तटों तटबंधन के टूटने से अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान ढलान की दिशा में जल का प्रवाह होने लगता है। इसके कारण प्रचंड बाढ़ आ जाती है। चुंग तुंग बांध, बाढ़ के पानी को लचेन नदी से होते हुए चुंग थांग के इसमें तीस्ता तृतीय जल विद्युत परियोजना तक पहुंचाया गया। चुंग थांग बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। कहने का मतलब ये है, पहले तो हिमनद के पिघलने से जो झील में बाढ़ आई वो पहला कारण, दूसरा कारण जो है बादल फटने से जो बारिश हुई वो भी वर्षा, उससे भी बाढ़ आने का कारण हुआ। तीसरा जो है जो चुंग तुंग बांध है उसका पानी भी छोड़ दिया गया उस वक्त, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो गया वहां बाढ़ आने के लिए। अब दिया हुआ है लाचेन चू नदी और लाचुंग चू चुंग थांग से मिलकर आगे तीस्ता नदी के नाम से बहती है। तो तीस्ता नदी जो होती है वो किस नाम पहले किस किन दो नदियों के मेल से बनती है, तीस्ता नदी किन दो नदियों के मेल से बनती है, पहली नदी है आपका लाचेन चू और दूसरा है लाचुंग चू, ये दोनों नदियों के मिलने से बहती है। अब हिम नदी झीलों और GLOF के बारे में, हिम नदी झील या हिमानी झील का आकार काफी बड़ा हो सकता है,
इन झीलों के निर्माण पिघले हिमनद के सामने ऊपर या नीचे भी हो सकता है। सामान्यतः हिमनद के पिघलने से हिमनदी झीलों में जल पहुंचता रहता है और झील का आकार भी बढ़ जाता है। इन झीलों के तटबंधन असंगठित हिमों अस्थिर हिम और अवसाद के बनने से होता है। अतः झीलों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने से तटबंधन टूट सकते हैं और जल एवं मलबे की तीव्र प्रभाव के कारण निचले इलाकों में काफी हानि हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और हिमनदी झीलों के आकार और संख्या में वृद्धि हो रही है। किसी भी कारण से हिमनदी झीलों में एकत्र जल के अचानक अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढाल की दिशा में तीव्र प्रभाव के चलते निचले इलाकों में आने वाली प्रचंड बाढ़ को ही GLOF कहते हैं। देख लेते हैं GLOF के प्रभाव, जो हिमनदों में जो बाढ़ आती है उनके प्रभाव देख लेते हैं। अप्रत्याशित कृत्रिम अत्यधिक मात्रा में जल और मलबे की तीव्र एवं प्रबल वेग से प्रवाह के कारण विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसका मानव जीवन, आजीविका, बुनियादी सेवाएं जैसे पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसके चलते भवन, सड़क, ऊर्जा परियोजना, सीवर नेटवर्क जैसी अवसंरचना को क्षति पहुंचती है। यह पारिस्थितिकी प्रणाली और कृषि खाद्य प्रणालियों को विनाश कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन जैसी अन्य आपदा आ सकती है। जब पानी का बहाव बहुत तेज होगा तो जाहिर सी बात है वो भूमि में जो मिट्टी उनका कटाव करेंगे। जब वो कटाव होगा तो जाहिर सी बात है तो भूस्खलन की घटनाओं को प्रभावित करेगा। अब भारत में GLOF से संबंधित सुविधा क्या है। हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदू कुश हिमालय आकलन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान में जो है 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के बीच वृद्धि के से हिमनदों का विस्तार 2015 की तुलना में 30 से 50% कम हो जाएगा। हाई माउंटेन एशिया क्षेत्र में रहने वाले 9 मिलियन से अधिक लोग हिमनद झील के टूटने के कारण खतरे का सामना कर सकते हैं। यह हाई माउंटेन एशिया क्षेत्र के अन्य तियन शान, पामीर, हिंदू कुश, काराकोरम हिमालय और किलियान शान की पर्वत श्रृंखला से घिरे क्षेत्र से हैं। भारत में पिछले दशक के दौरान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में GLOF की कम से कम तीन अत्यधिक विनाशकारी घटनाएं जैसे केदारनाथ 2013 में, चमोली 2021 में और सिक्किम 2023 में हुई है। अचानक आने वाली बाढ़ या फ्लैश फ्लड आने के कारण क्या होते हैं। जल के प्रभाव में होने वाली वृद्धि, मतलब कि जो बाढ़ आ रही है, अचानक बाढ़ आ रही है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, ये सब के कारण क्या है, ये बताया कि किस कारण से ये आ रही है। पहला है जल के प्रभाव में होने वाली वृद्धि। अत्यधिक भारी वर्षा के कारण छोटे और मौसमी नदी, सहायक नदी एवं मुख्य नदी की जल की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यह अचानक आने वाली बाढ़ का प्रमुख कारण है। बादल फटना, एक निश्चित क्षेत्र में कम समय में ही अचानक अत्यधिक भारी वर्षा को बादल फटना कहते हैं। बादल फटना की भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है। तूफानी वर्षा, IMD के अनुसार तूफानी वर्षा का आशय एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में काफी व अत्यधिक भारी भारी वर्षा से है। मानव जनित कारक, बढ़ते केंद्रीकृत विकास और पर्यटन अर्थव्यवस्था के विस्तार के चलते संवेदनशील क्षेत्रों में अनियोजित तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए
भूस्खलन, भूकंप, भूस्खलन और अन्य आपदाओं की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना, पारिस्थितिकी के रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में असाधारणीय एवं और अनियोजित अवसंरचना का निर्माण करना, मानव जनित कारणों से ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषणों के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली वृद्धि। अब बाढ़ के प्रभाव को कम करने या बाढ़ के शमन हेतु उपाय क्या किए गए हैं? पहला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसने बाढ़ के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही NDMA ने इस दौरान अलग अलग केंद्र ए और राज्य एजेंसियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का निर्धारण किया है। इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश 2020 में GLOF के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश हैं। 2010 में शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। 2008 में बाढ़ प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जो कि इंफोग्राफिक्स में दिए गए, ये सब हैं। संरचनात्मक उपाय, इसमें जलाशय, तालाब, तटबंधनों का निर्माण, नदियों के अतिरिक्त जल को नहर में भेजना या अन्य जल निकासी सुविधाओं का निर्माण, अपवाह मार्ग और जल निकासी सुविधाओं के सुधार करना, वाटर शोर प्रबंधन आदि शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जोन में बांटना, इसका उद्देश्य बाढ़ की व्यापकता या उनके आने वाले बारंबारता के आधार पर क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बांटना है। साथ ही इसका उद्देश्य इन जोनों के लिए उपयुक्त अवसंरचना निर्माण को एक प्रकार को भी निर्धारित करना है। अग्रिम चेतावनी प्रणाली, NDMA ने भारत में जोखिम वाले 56 नदी झीलों में से अधिकांश के लिए रियल टाइम अलर्ट हेतु अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। अब देखेंगे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जल विद्युत परियोजना के लिए ढलान स्थित बनाए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। ढलान स्थिरता का आशय ढलान की क्षतिग्रस्त किए हुए जल की तीव्र प्रवाह को बनाए रखना है। ऐसे उपाय जो हो सकते हैं वो है जोखिम मूल्यांकन। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तैयार करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का व्यापक जोखिम मूल्यांकन करने की आवश्यकता, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, निगरानी और डेटा संग्रह, संवेदनशील हिमनद क्षेत्र झील और नदियों के पास की मौसमी विज्ञान संबंधित घटनाओं का पता लगाने के लिए गहन निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का शीघ्र विकास किया जाना चाहिए। जलवायु शमन, समुदाय और अवसंरचना को बढ़ते जोखिम की रक्षा करने के लिए जलवायु शमन प्रयासों और अनुकूल प्रबंधन बाढ़ उपाय किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन और लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का उपयोग करके संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। सामूहिक लचीलापन, स्थानीय चेतावनी प्रणाली और सामूहिक लचीलेपन का निर्माण करते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्थानीय ज्ञान तथा प्रथाओं को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। ग्रीन ग्रे अवसंरचना, इसके अतिरिक्त जलवायु का भंडारण करने हेतु जलाशय, आर्द्र भूमि, वृक्षारोपण, सेंटीमेंट ट्रैक, बाढ़ अवरोध अवसंरचना, डायवर्जन चैनल आदि का निर्माण किया जाता है। इससे परिवर्तन नदी के भू आकृति में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में अवसंरचना परियोजना जैसे बांध, पुल और राजमार्ग का निर्माण करते समय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय और सख्ती का पालन किया जाना चाहिए। EPIC रिस्पेलिंग रिस्पॉन्सिंग फ्रेमवर्क क्या है? विश्व बैंक ने बाढ़ और सूखे के जोखिम से बेहतर ढंग से निपटने के लिए EPIC एक रिस्पॉन्सिंग फ्रेमवर्क दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। EPIC रिस्पॉन्सिंग फ्रेमवर्क के घटक है सक्षम, योजना, निवेश और नियंत्रण। ये थे इनके बारे में। अब जो है NDMA के जो दिशा निर्देश है वो देख लेते हैं, ये देखना जरूरी है। खतरे और जोखिम का निर्धारण करना है कि कितना खतरा आ रहा है, उससे कितना जोखिम हो रहा है, ये देखना है। निगरानी जोखिम की कमी और शमन संबंधित उपाय देखना है। आपदा जोखिम करण
में कमी के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का इस्तेमाल करना है, जागरूकता और तैयारी करना है, लघु मध्यम और दीर्घकालीन अवधि के आधार पर काम करना चाहिए। क्षमता विकास देख लेते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण और अकादमिक शिक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। आपदा की स्थिति में प्रक्रिया कैसे होगी? आपदा की स्थिति में उचित प्रक्रिया के हेतु राष्ट्रीय राष्ट्रीय जल राष्ट्रीय राज्य जिला और सामुदायिक स्तर पर सुस्पष्ट एवं ठोस प्रक्रिया होनी चाहिए। अनुसंधान एवं विकास में देख लेते हैं, संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में झीलों के नियमित पूर्वालोकन के लिए उन्नत अंतरिक्ष आधारित और स्थानीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बार बार निगरानी करनी चाहिए। यानी कि अगर हम सैटेलाइट के माध्यम से ये पता कर पाएंगे कब ज्यादा बारिश हो रही, किस क्षेत्र में हो रही, बाढ़ आने की संभावना क्या है, कितना दाब पड़ रहा है, भूकंप आने की संभावना, या कैसी होगी, ये जब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हम बढ़ाएंगे तो उससे होगी, यही बताना चाह रहा है। अब अन्य संबंधित सुर्खियां देख लेते हैं कि जो इसमें अन्य संबंधित सुर्खियां हैं वो क्या दी है। इनिशिएटिव ने कोरल रीफ ब्रेक थ्रू लॉन्च किया है। आईसीआरआई ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ और संयुक्त राष्ट्र हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के साथ साझेदारी में कोरल रीफ ब्रेकथ्रू लॉन्च किया है। इस पहल का लक्ष्य उथले जल की उपोष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों में कम से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विलुप्त होने से बचाना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या योजनाएं बनाएगी वो देख लेते हैं। प्रवाल को नुकसान पहुंचाने वाले स्थानिक मानकों को कम करना, प्रदूषण के भूमि आधारित स्रोतों, विध्वंस तटीय विकास व अत्यंत मत्स्य गतिविधियों को कम करना शामिल है। लचीलेपन आधारित प्रवाल भित्ति संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना, इसके लिए 30x30 लक्ष्य सहित वैश्विक तटीय सुरक्षा लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें पार करने की कोशिश की जाएगी। कुनमिंग मॉन्ट्रिकल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य देख लेते हैं। इसके तहत 2030 तक कम से कम 30% स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों तथा समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों को संरक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवालों के अनुकूल व्यापक वनोन्मुषी समाधानों और क्लाइमेट स्मार्ट डिसीजन के विकास एवं क्रियान्वयन में सहायता करना। इससे 2030 तक 30% निम्नीकरण प्रवालों को पुनर्बहाली में मदद मिलेगी। प्रवाल विरंजन के संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए सार्वजनिक व निजी स्रोतों से 2030 तक कम से कम 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश को जुटाना है। प्रवाल भित्ति मुख्यतः सैकड़ों से लेकर हजारों पॉलिसिस नामक एकल प्रवाल के लघु समूह से बनी होती है। प्रवाल समुद्र अकशेरुकी जीव हैं। इनका कठोर बाहरी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। प्रवाल का जो बाहरी होता है वो कैसे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। भारत में प्रवाल विविधता निम्नलिखित समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में तथा लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हमारे भारत में प्रवाल वृत्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार में तथा लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तो कि अंतरराष्ट्रीय कोरल रीफ का पहल पे देखना चाह रहे हैं क्या है। ये उत्पत्ति कब हुई थी इसकी? ये हुई थी 1994 में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके और यूएसए द्वारा स्थापित किया गया था।
ICRI के बारे में देख लेते हैं। यह एक वैश्विक साझेदारी है, इसे दुनिया भर में प्रवाल वित्तियों से संबंधित परिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षण करने के लिए स्थापित किया गया है। सदस्य कितने हैं इसमें? 101 सदस्य। भारत इसका सदस्य है। अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते क्या है। 45 देश विश्व की 75% प्रवाल वित्तियों के संरक्षक हैं। इसके बाद बोल रहा है कि प्रमुख पहल क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के तहत कम से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत उथले जल क्षेत्र वाले उष्णकटिबंधीय कोरल रीफ का संरक्षण करना है। अब हम देखने जा रहे हैं सतत विकास। UNESCAP ने सतत वित्त एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के अंतराल को कम करने शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है। सतत वित्त से तात्पर्य संधारणीय कार्यकल्पों का वित्त पोषण और संधारणीय रूप से प्रभावित वित्त है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर है। सतत वित्त में वैश्विक स्तर पर वित्त पोषण में मौजूदा कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त पूंजी और तरलता उपलब्ध है। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG को 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में 51 देश जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षधार हैं, हालांकि इसमें से केवल 17 देशों ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन कर उनकी रिपोर्टिंग की है। इस क्षेत्र में आपदाओं और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से होने वाले औसत आर्थिक हानि बढ़कर 1.1 ट्रिलियन डॉलर से 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच हो गई है। ऐसा कहा जा सकता है कि उच्च उत्सर्जन की स्थिति में जलवायु परिवर्तन से भारत को वर्ष 2100 तक सकल घरेलू उत्पाद का 35% का नुकसान होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अब इन्फोग्राफिक देख लेते हैं। एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र व आर्थिक और सामाजिक योगदान। उत्पत्ति इसकी स्थापना शंघाई में 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग के रूप में की गई थी। वर्ष 1974 ईस्वी में UNESCAP के रूप में नामित किया गया। UNESCAP के बारे में, यह एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। अन्य क्षेत्रीय आयोग अफ्रीका, यूरोप, पश्चिमी एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से संबंधित हैं। सदस्य कितने हैं इसमें? 53 देश सदस्य हैं और 9 एसोसिएटेड सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। उद्देश्य यह सतत विकास की चुनौतियों को समाधान की खोज में सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। रिपोर्ट क्या है? SDG प्रगति आकलन रिपोर्ट, एशिया प्रशांत आपदा रिपोर्ट के नाम से आती है। अब इसमें देख लेते हैं रिपोर्ट के जो मुख्य सिफारिशें की गई हैं वो देख लेते हैं कि मुख्य सिफारिशें क्या हैं इसमें। नीति निर्माताओं, विनियमन और निजी वित्त के लिए कार्रवाई के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है विश्वसनीय ट्रांजिशन मार्ग का अनुसरण करते हुए 2050 तक नेट जीरो संकल्पना के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। इसमें 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति भी शामिल होनी चाहिए। अब है उसके बाद सभी मुख्य सरकारी मंत्रालयों की नीतियों में एक रूपता लानी चाहिए और क्षमता विकास करनी चाहिए। पूंजी और निवेश आवश्यकताओं के बीच सेक्टर रोल और रीजनल लेवल पर असंगति को कम करना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के साथ साथ हरित प्रौद्योगिकी और अन्य नेट जीरो का निवेश के लिए भी स्थानीय मुद्रा के वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। बहुपक्षीय विकास बैंक द्वि
कहते द्वि पक्षी विकास वित्तीय संस्था आदि द्वारा कहते रियायती वित्त सुनिश्चित करना चाहिए और संबंधित जोखिम को कम करना चाहिए। अब स्टार्ट हो गया तीसरा टॉपिक जिसका नाम है नेट जीरो रोड मैप। हाल ही में नेट जीरो रोड मैप से संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पहुंचने में रखने के लिए एक वैश्विक मार्ग शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना कठिन होता जा रहा है। हालांकि उम्मीद अभी भी बनी हुई है क्योंकि दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना का विकास हो रहा है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स कार जैसे स्वच्छ ऊर्जा तकनीक उन तकनीकों में से एक है जो आज से 2030 के बीच उत्सर्जन में एक तिहाई कटौती कर सकती है। सुझाव क्या है दिया गया है रिपोर्ट में? इस दशक के अंत तक नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना करना, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का उपयोग करना आदि को बढ़ावा देना चाहिए। जलवायु चौथा टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरवन में नुकसान एवं क्षति क्या हुई वो देखना है। सुंदरवन कहाँ है? यह बंगाल में की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा पड़ता है उसी के बारे में है। आइए देख लेते हैं। भारत व बांग्लादेश में विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरवन में के नुकसान और क्षति हुआ है। इसे ग्लोबल कॉमन्स के रूप से भी जाना जाता है। इसे क्या ग्लोबल कॉमन्स के रूप में भी देखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुंदरवन में बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है, फिर भी यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल कॉमन्स में ऐसे क्षेत्र या उनके संभावित आर्थिक संसाधन शामिल हैं जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर है, साथ ही जिन तक सभी देश पहुंचे हैं जैसे खुला समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका, बाह्य अंतरिक्ष आदि। कि ऐसे क्षेत्र जो ग्लोबल वार्मिंग से प्रदूषित नहीं होने चाहिए थे लेकिन फिर भी उसका उनका प्रभाव दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड टू ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन को शासित करने वाले अभिसमय और संधियां निम्नलिखित है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून अभिसमय 1982 में अंटार्कटिका संधि प्रणाली बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को शामिल करने वाले सिद्धांत पर संधि है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी के निचले द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का 40% और बंगाल का 60% में फैला हुआ है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर बना हुआ। किसमें? गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा नदी के मेघना नदी से डेल्टा बनता है। यह विश्व में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसे सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसमें अतिरिक्त रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि का दर्जा भी दिया गया है। जीव जंतु एक्सुराइन मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मिनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन, ओलविन रिडले टर्टल आदि यहाँ पाए जाते हैं। संकट क्या है? यह क्षेत्र बाढ़, भूकंप, चक्रवात, समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्री तट के क्षेत्र में के प्रति संवेदनशील है। शब्दावली को देख लेते हैं। हानि और क्षति। यह दुनिया भर में मानव, विशेष रूप से सुभेद समुदाय और प्राकृतिक पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों को दर्शाती है। अब हम देखने जा रहे हैं पांचवा टॉपिक जिसमें है जीवाश्म ईंधन में से मीथेन को कम करने की अनिवार्यता। जो जीवाश्म ईंधन है इसे मीथेन को कम करना है। एक रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तैयार ने की है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और UNEP के संयोजन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के सहयोग से तैयार किया गया। CCAC यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर फ्लोरिएशन के बारे की स्थापना 2012 में
2012 में की गई थी। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो मीथेन, कार्बन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे अल्पकालीन जलवायु प्रदूषण की सांद्रता को कम करने के लिए तैयार किया गया है। ये याद रखना है कि ये जो है ये अल्पकालीन है और ये अभी बना है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है? अल्पकालीन जलवायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वायु वायु प्रदूषण दोनों के लिए उत्तरदायित्व है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन से मीथेन को कम करने में 2050 तक 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से बचाया जा सकता है। इसमें देख लेते हैं और भी कितने टॉपिक हैं, अदरवाइज उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अगर ज़्यादा टॉपिक होंगे तो। 19 टॉपिक हैं टोटल इसमें। हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं अभी? हम टॉपिक कवर कर रहे हैं पांचवा। देख लेते हैं, यदि मीथेन को कम करने संबंधित लक्षित कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो 2050 तक वैश्विक औसत तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि होगी। वर्ष 2050 तक मीथेन उत्सर्जन के शमन में निम्नलिखित को रोका जा सकता है। ओजोन के प्रभाव से होने वाले लगातार 1 मिलियन कहते हैं असहायिक मौत हो सकती है। ओजोन और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले 90 मिलियन टन फसल, गेहूं, चावल, सोया और मक्का के नुकसान हो सकते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण लगभग लगभग 85 अरब घंटे की श्रम अरब घंटों की श्रम हानि हो सकती है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। यह 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 580 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित होती है। इसमें से 60% उत्सर्जन के लिए मानक गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इन गतिविधियों में लैंडफिश कृषि, दुई पद्धतियां, अपशिष्ट और उपचार भी शामिल हैं। मीथेन जलवायु परिवर्तन के लिए दूसरे दूसरे सर्वाधिक उत्तरदायित्व ग्रीन हाउस गैस है। प्रथम स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए शुरू की गई मुख्य पहले कौन कौन सी है? वर्ष 2021 में COP26 में वैश्विक मीथेन संकल्प शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 से भी कम से कम 30% की कटौती करना है। अब गोबर गैल्वाइनिंग गैल गैवल गैवलाइनिंग गैवलाइनिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिफॉर्म्स धन योजना यह जल शक्ति मंत्रालय का एक अम्ब्रेला पहल है। यह योजना अपशिष्टों के समाधान में परिवर्तन करने और मीथेन उत्सर्जन को कम में समर्थन करती है। छठवां टॉपिक जो है हम अपना वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना रहने देंगे, ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने से कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ, और हमें धीरे धीरे एक छोटे छोटे सेगमेंट को भी कवर करना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ सुझाव देना तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।